नमस्कार। मैं फिर एक बार आपके साथ वही बात दोबारा लेकर के आया हूं और वो है स्वच्छता अभियान। और आज इसलिए कह रहा हूं कि 2 अक्टूबर को पूज्य बापू के जन्म की 150वीं जयंती मनाने का अवसर प्रारंभ हो रहा है और यह दिवस का इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी 2 अक्टूबर को 4 साल पहले हमने स्वच्छता अभियान का एक जन आंदोलन आरंभ किया था। अब उसको 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 125 करोड़ देशवासियों ने मिलकर के पूज्य बापू के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक जन आंदोलन प्रारंभ किया था। हम सबके प्रिय पूज्य बापू का ही आशीर्वाद है कि बीते 4 वर्षों में समस्त भारतवासी स्वच्छ क्रांति के दूत बन चुके हैं। देश के हर कोने में समाज के हर वर्ग के लोगों ने स्वच्छ भारत के उनके सपने को पूर्ण करने के लिए जो भी कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, क्षमता से कभी कभी अधिक करने का भी प्रयास किया है। ये हमारे नागरिकों के आशीष, आप सबके आशीर्वाद, आप सबके सक्रिय भागीदारी का ही परिणाम है कि बीते 4 वर्षों में देश में 8.5 करोड़, आंकड़ा छोटा नहीं है, 8.5 करोड़ शौचालय बनकर के तैयार हो गए। आज 90% भारतीयों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। 2014 के पहले सिर्फ 40% भारतीयों के पास ही टॉयलेट था। देश के करोड़ों करोड़ समर्पित स्वच्छाग्रहियों का ही यह पुण्य प्रताप है कि आज भारत के 4.25 लाख से भी अधिक गांव, 430 जिले, 2800 नगर, शहर और कस्बे और 19 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच से मुक्त, ओपन डेफिकेशन फ्री ODF घोषित हो चुके हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन से टॉयलेट के उपयोग से ही करीब 3 लाख मासूमों का जीवन बचने की संभावना जताई है।